न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा बैठक। डीएम ने बताया 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री करेंगे योजना का शुभारंभ। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गला दबाकर हत्या की हुई पुष्टि। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने किया खुलासा, कहा हत्या का कारण स्पष्ट नहीं। गिरफ्त में पांचों आरोपी भेजे गए जेल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्यपाल के आगमन की तैयारी बैठक। संबंधित अधिकारियों को अपनी अपनी तैयारियों को पूरा रखने के दिए निर्देश। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुलिस के अफसरों और कर्मियों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर दी सलामी, उनके बलिदान को किया याद। 23 अक्टूबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय के होने वाले 38वें दीक्षांत समारोह का किया गया पूर्वाभ्यास। डमी चांसलर के साथ डमी स्वर्ण पदक विजेताओं के ग्रुप फोटोग्राफी का भी हुआ अभ्यास। तैयारियों की गई समीक्षा। खजनी क्षेत्र के दो पक्षों में मारपीट में एक बुजुर्ग की हुई मौत। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। गोरखपुर जिला कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष बने निर्मला पासवान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नव निर्वाचित अध्यक्ष ने कहा संगठन को मजबूत करना है उनकी प्राथमिकता। पुलिस लाइन के मेस सभागार में संपन्न हुई पुलिस पेंशनरों की त्रैमासिक बैठक। लगाया गया हेल्थ चेकअप कैंप। पेंशनरों के समस्याओं के समाधान के साथ दी गई सरकार की योजनाओं की जानकारी। रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस समारोह। पुष्प चक्र समर्पित कर एवं 2 मिनट का मौन रख कर दी गई श्रद्धांजलि। राप्ती नगर डिपो में रखे बेकार टायरों में डेंगू के मिले लार्वा। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने डिपो के एआरएम को दी चेतावनी, कहा बेकार टायरों को जल्द दें हटा वरना 50,000 का लगेगा जुर्माना। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह के त्रिवेणी सांस्कृतिक संध्या का हुआ आयोजन। त्रिवेणी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत नाट्यम, कथक और नाट्य कलाकारों ने दी प्रस्तुति।